पखाना भी खाना पड़े। अरे नंगी हो रही तेरी पैंट रे। अरे 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 दीदी जा रही है। अरे अल्लाह मेरी इज्जत तूने बचा ली, वरना अभी तो इस माहौल में मेरा इज्जत का कवाड़ी हो जाता। भारत में अब सब कुछ कवारा हो गया है, तेरी इज्जत का क्या भांजे? इंटरनेशनल मामा पीजा, इंटरनेशनल मामा पीजा, इंटरनेशनल मामा पीजा। मुझे इंटरनेशनल मामा बनाकर तुमने सब कुछ बर्बाद कर डाला। क्या बात है मामा? तुम बिल्कुल गधा हो। मैंने तो तुम पर कुछ नहीं लगा है मामा। अरे गधा की औलाद, बदतमीजी से क्यों बातें करते हो? अरे दुर्जन के बच्चे कहाँ गया? अरे लो आ गया मामा। ए सज्जन को भी साथ ले जा, मानिक को बोल देना देश विदेश की खबर लेकर मामा आ गया है। चलो चलो। मेरे भाग के मीड लाए भगवान ने इस तरह बना रखी है कि मुझे इंटरनेशनल मामा बनना पड़ा, यानी सबका मामा, बाप का मामा, बेटा का मामा। ये रिश्ता ही अजीब है मामा भांजे का, नसीब अपना अपना, किस्मत का अजीब पेच है मामा। अरे ओ मामा, मालिक आपको अंदर बुलायो हो। मेरा भांजा कहाँ है भेजो? जी हाँ, उन्होंने कहो अंदर ही भेज दो। मुझे करण सिंह ने ये बहरा नौकर रखा है, पानी मांगो तो दूध ले आएगा और दूध मांगो तो पानी ले आएगा। मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा, ये मामा और भांजे का रिश्ता ही अजीब है। ये साला इंटरनेशनल मामा भी अजीब है, सबके बाप का साला। बातें करो तो एक भी बात को बार बार पूछेगा। सज्जन अपने बुलाया मलकी, कार की चाबी ले आओ। अभी लाई मलकिन। दरअसल बात है ये मालकिन कि इतना भारी वजन मैं कैसे उठा कर लाऊंगा? तुम एक चाबी नहीं उठा कर ला सकते? जी नहीं मालकिन, कम से कम 150 मन भारी तो जरूर होगा। 150 मन चाबी का वजन? जी 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 जी, क्या चाबी? हाँ चाबी। अरे हम तो कुछ दूसरी ही समझे थे। अरे कवारा हो गए हो, मैंने तो सोचा था कार ही उठा करके लाने को हुक्म हुआ हो। अच्छा ठीक है मलकिन, आ रहा हूँ। बस मैंने किसी तरह टांग कर घर तक पहुंचाया, उसके घर पर तो कोई नहीं था। होश में लाया, देख तुम्हारा घर आया भांजे। बिमला शायद तुमने सुना नहीं,
प्रकाश को उसके साथियों ने बेहद पिटाई की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ही हुआ है भांजे। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो स्वर्ग या नरक की एक आध सीढ़ी पार कर गया होता। मामा, सत बताने में मुझे संकोच कैसा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। बिमला। हाँ भैया। करण सिंह तुम्हारा भाई है। अरे जब तुम बहुत छोटी थी, जिस समय तुम 2 वर्ष की थी और उसी समय माँ की मृत्यु हो गई, तुमने जहां जहां पांव रखी वहां वहां अपना खून बिछा दिया। अरे पगली, पिताजी तो पहले चल बसा। या आप कैसी बातें कर रहे हो भैया। हाँ बिमला, हाँ, समय कुछ ऐसा ही आ गया है। माता पिता से अलग होने के बाद, अरे मैंने ही तुम्हें माता पिता का प्यार दिया। हम गरीब थे बिमला, तुम्हें मालूम नहीं। अरे उस गरीबी में मेरा कितना अपमान हुआ। अरे कितनी रातें पानी पीकर सोया हूँ भैया। हाँ बिमला, हाँ बोलो। कितने अमीरों से मैं गाली सुनता रहा, यही कि गरीब होने के कारण। तुम शायद ये भूल रही हो बिमला, आज भारत में जितने भी संपत्तिमान है उनमें ज्यादातर अरे कल के नंबर 1 दलाल और बेईमान है। हाँ भैया, प्रकाश की जान की कीमत बहुत ज्यादा है। किसकी कीमत? सबके लिए। और तुम्हारे लिए? अरे जवाब दो बिमला, जवाब दो। अरे तुम चुप क्यों, मेरी बातों का जवाब दो। मैं पूछता हूँ, प्रकाश से तुम्हारा क्या संबंध है? जी जी जी, कोई संबंध नहीं। अरे मुझे सब मालूम है, जिसे रहने की झोपड़ी तक नहीं, अरे खाने का कोई ठिकाना नहीं। अरे तुम उसी से तुम प्यार कर बैठी भैया। हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो सिर्फ तुम्हारे पास एक ही रास्ता है बिमला, तुम्हारी मौत। ये प्रकाश की मौत, फैसला तुम कर लो बिमला, मैं चलता हूँ।